का आप आपके सामने, ये हम बात कई बार बोलते हैं, टेस्ट क्रिकेट को तो छोड़िए, वनडे को छोड़िए, इवन टी20 क्रिकेट में जिस दिन बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं, पाकिस्तान की टीम पूरे ओवर खेलने से भी कासिर होती है। और एक दफा फिर आज ये पॉइंट प्रूव हो गया कि अगर बाबर आजम नहीं खेल चलेगा या ज्यादा लंबा नहीं खेल पाएगा, क्रीज पे नहीं रुकेगा, तो पाकिस्तान की टीम वो पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाए। करते आ रहे हो, हम तो तुम्हें कब से एक्सपोज कर रहे थे, इवन टी20 वर्ल्ड कप में भी तुमने 18 ओवर पी गए थे 150 मानने के लिए। हम लोगों का स्टाइल जो भी हो, क्रिकेट वाली बातें भूलना मत। हमेशा कहा कि इंडिया बेवकूफ नहीं है, रिजवान को भुवनेश्वर कुमार 5वें और 6ठे स्टंप पर बॉल कराएगा। आपको बोला था हार्दिक पांड्या जो है इनका ट्रम्प कार्ड होगा रिजवान साहब, तो आप देख लीजिए 3 आउट किए हैं उसने, बैकबोन तोड़ दी पाकिस्तान की बैटिंग। देखने के लिए क्या हमने आज का मैच सुबह से शाम तक की तैयारी करके बैठे थे, ये कौन सा तरीका है यार, एक तरफ तुम्हारी लेगेसी को उस लानती इनिंग को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मुकाबला, और जिसमें पाकिस्तान की टीम 147 रन पर सिमट गई, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जब काफ़ी बौखला गई है, जो कि वहां से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और वहां से दुबई से ही उनकी लाइव बेइज्जती कर रही है कि आप इतनी कम स्कोर बनाते हैं, वो भी भारत के खिलाफ, जो कि आपके लिए क्या हो सकता है। बाबर आजम एक ऐसा बैट्समैन है जो कि अगर पाकिस्तान से प्रदर्शन ना करे, अगर वो कुछ अच्छी इनिंग ना खेले, तो वो वनडे हो या टेस्ट हो या टी20 हो, हर किसी में पाकिस्तान पूरा ओवर तक नहीं खेल पाता है। सिर्फ एक बैट्समैन पे इतना डिपेंडेंट होकर खेलना और बात करना लंबी पाकिस्तानी टीम के बारे में, ये काफ़ी गलत है। और पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों को देख कर काफ़ी खफा हो चुकी है और बोल रही है कि भारत से ऐसे कैसे जीत सकते हो जब तक आप अच्छी परफॉर्मेंस बल्ले से नहीं करेंगे, और सिर्फ बाबर आजम को खेलने से। बाबर आजम को भी काफ़ी लताड़ रहे हैं कि आपको किससे केवल कवर ड्राइव के अलावा और कोई शॉट्स भी नहीं आते, पुल शॉट्स तो करना नहीं आता आपको, तो क्या आप भारत के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन से मैच कभी जीत सकेंगे। ये भी देखना काफ़ी रोमांचक है कि पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या बोल रही है इस वीडियो में। तो दोस्तों उसके लिए हम शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और अपडेट लाते रहें, और भारत पाकिस्तान क्रिकेट एशिया कप से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो और हम मिलते हैं आपके सामने। ये हम बात कई बार बोलते हैं, टेस्ट क्रिकेट को तो छोड़िए, वनडे को छोड़िए, इवन टी20 क्रिकेट में जिस दिन बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं, पाकिस्तान की टीम पूरे ओवर खेलने से भी कासिर होती है। और एक दफा फिर आज ये पॉइंट प्रूव हो गया कि अगर बाबर आजम नहीं खेल चलेगा या ज्यादा लंबा नहीं खेल पाएगा, क्रीज पे नहीं रुकेगा, तो पाकिस्तान की टीम वो पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाएगी। आज भी वैसा ही हुआ, हालांकि 10 ओवर के बाद रीजनेबल सही काम था, 2 आउट हुए हुए थे, उसके बाद से अभी देखें एंड पे धानी ने आगे थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी लेके आया, वरना बिल्कुल बिलो पार टोटल होता। और हार्दिक पांड्या की बेशक 4 आउट किए भुवनेश्वर कुमार ने, लेकिन हार्दिक पांड्या इज द गाय जब से वो वापस आया है। अब इंडिया और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का मैच था, उसके बाद से अभी ये जो मैच है उसमें बहुत बड़ा जो एक फैक्टर जो डिफरेंट है वो हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर वो ये टॉकिंग अबाउट, बिकॉज वो बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग करवा रहा है। और शॉर्ट पिच बॉलिंग पे आज फिर उसने जिस तरह विकेटें निकाली हैं वो आपके सामने है। पहले शुरू में चलो अवैश खान को तो ने आउट कर लिया, फखर को बाद की बीच में जो पार्टनरशिप लगी हुई थी वहां पे आके जनाब उसने रिजवान की जिस तरह विकेट ली, बाकी जो खुशदिल वगैरह बिल्कुल पथेटिक शॉट खेल के आउट हुआ। एंड ऑफ द स्टोरी इज दिस 148 टू चेस। और मोहसिन भाई बहुत ही अच्छा रोक लिया इंडिया ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जनाब, ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि देखिए ट्रैप हुआ है आपके बैट्समैन, जितने भी बैट्समैन थे, रिजवान वेरी लकी कि उसने ले लिया शुरू में ही रिव्यू, वरना अंपायर ने तो उसे टाटा बाय बाय कर दिया था। आपको बोला था हार्दिक पांड्या जो है इनका ट्रम्प कार्ड होगा रिजवान साहब, तो आप देख लीजिए 3 आउट किए हैं उसने, बैकबोन तोड़ दी पाकिस्तान की बैटिंग। गगन सिंह कह रहे हैं जी भाईजान दिस टाइम सॉरी बट पार्टी स्टिल गोइंग ऑन जी, ठीक है। और साथ में युगविंदर क्या कह रहे हैं, सैल्यूट टू यू बोथ फॉर योर हार्ड वर्क। मोहसिन भाई आप जीत गए हैं जी, श्योर दुबई से ही। अच्छा, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हम सच नहीं मानते, ये अच्छी बैटिंग थी। भाईजान उधर बात करें ना, छोड़े उधर। युगिंदर कह रहे हैं कि भाई आप शर्ट जीत गए हैं और दुबई से ही शॉपिंग करवा देंगे, ठीक है। बॉलर था जिसके पास एक्सपीरियंस था वो था भुवनेश्वर कुमार, और उसने अपना एक्सपीरियंस शो किया। आज आपका बाबर आजम
आज तो कोई जल्दीबाजी नहीं थी, कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई मसला नहीं था। तो आज क्या था? पीछे फील्डर खड़ा किए, मैं फ्लूपा चढ़ा दिया। क्यों? How is feeling? Enjoy, sir. Who wins, sir? अरे जो भी जीतेगा हम जल्दबाजी किस चीज? आज मुझे बताएं ना क्या वजह हुई आज, क्यों? आज तो आपकी ना विकेटें गिरी हुई थी, ना रन रेट का कोई प्रेशर था, ना पीछे से टेल एंड साथ खड़ी हुई थी। व्हाट वाज द रीजन? ये मैच था, मैंने आपसे बार बार कहा था अगर आज 40 बॉलों में 50 करेगा बाबर आई विल टेक इट, और बाबर नहीं स्कोर करेगा तो फारिक। अब आप शाहनवाज धानी के छक्के ले लें, आप हारिस रऊफ के छक्के ले लें तो ये मैच हो रहा है। ऐसे क्रिकेट नहीं होती। आपको कवर ड्राइव के अलावा ऊपर की गेंदे भी खेलनी होती है, और ये बेसबॉल या कोई कंचे नहीं हो रहे। मोहम्मद रिजवान विकेट पर खड़े होके 7 ओवर तुम पी गए, तुमसे अच्छा तो इफ्तिखार था कि उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की कम से कम छक्का मार के शहीदों में नाम तो लिखवाया, गैरत की गोलियां तो ली। ओ भाई मैच में इंडिया फेवरेट था, पर 160-165 रन तो यहाँ पर कोई भी टीम बना के छोड़ती। ने हाथ पांव भूल गए मेरे घंटे के, और जब टॉस हारा तो वही मैच हारा। ऐसा लगता था कि ताबूत तैयार है और तालियां बजाने को लोग भी तैयार नजर नहीं आए। जिस तरह की मैसिव लांती बल्लेबाजी ये करके गए आज, तो सबसे पहले बाबर आजम से पे मैं शुरू करूंगा जो आज का बड़ा मैच लेकर चल रहे थे, और जिस तरह की मिस्कीन शक्लें बना के वो शाहीन के ना होने का रोना गाने के रोना गाकर एक सिंपथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आज उसमें नाकाम नजर आए। मैदान छोड़कर भाग गए। आज उनको प्रूफ करना था कि दुनिया के नंबर वन आईसीसी के जो तुम चने के झाड़ पे चढ़े हुए मुस्तकिल 2 सालों से, ये लड़त देखने के लिए क्या हमने आज का मैच सुबह से शाम तक की तैयारी करके बैठे थे? ये कौन सा तरीका है यार? एक तरफ तुम्हारी लेगेसी को, उस लांती इनिंग को, क्या बोला जाए, रिजवान की 43 बॉल है 43 रन, उसके ऊपर तुमने हैदर अली जिस पे इन्वेस्ट करना है अगले 5-7 सालों में, तुम उसकी जगह चाचू को जिसके जो शक्ल 40 साल का बाल रंग के साले को उसको तुम टीम में खिला रहे हो, क्या वजह थी उसको 4 नंबर पे भेजने की? उसके बाद तुम्हारे जो छक्कों में नेट में भोले फाड़ने को जिनके बारे में कहा जा रहा था ये ब्रांडेड छक्के हैं आसिफ अली, अबे कोई हर कोई करीम जन्नत होगा क्या? ये छक्के मारे थे, हो गए छक्के खत्म, तुम्हारे सारे नेट में मार कर आ गए। फिर आप आ जाओ नवाज के ऊपर, जिसको आपने साजिश के तौर पे इमाद को बिठाकर नवाज को बनाने के चक्करों में लगा भेजो ना, प्रमोट करो ना, लेफ्ट आर्म बॉलर था जडेजा था तो ये सेंस नहीं थी। कैसी कैसी विकटें गिरी हैं इन लोगों की यार, आप चेक करें, मैंने कल ही नक्शा खींच के आपको 2 दिन पहले बताया, हार्दिक पांड्या बाउंस आउट करेगा 138-40 की बाउंसर कर रहा है। फखर को देखो, आवेश ने पीछे बॉल की, हार्दिक ने चाचू को निकाला, हार्दिक ने उसको निकाला, हार्दिक पांड्या ने भुवनेश्वर कुमार ने बाबर को आगे दाना डाला और फिर शॉर्ट बॉल की, कहां है पुल? अबे क्या किया जाए, क्या ढोल बजाया जाए तुम्हारी परफॉर्मेंस में, या उठाकर कंधों से नीचे जमीन पे फेंक दिया जाए? ये तुमने 2 साल में कमाए, इस लानत के लिए तुम चने के झाड़ पे चढ़े हुए थे, इसे कहते हैं नंबर वन बल्लेबाजी? एक इनकी पार्टनरशिप की तो ऐसी, मैं अभी दिन में यही बता रहा था, हीरो राजा की स्टोरियां बराबर आके पेश की जा रही थी, जैसे लैला मजनू हो ये लोग T20 क्रिकेट के ओपनर। अबे लानत है, तुम्हारे स्ट्राइक रेट बता रहे थे कि तुम जिस तरह की बल्लेबाजी सेल्फिश करते आ रहे हो, हम तो तुम्हें कब से एक्सपोज कर रहे थे, इवन T20 वर्ल्ड कप में भी तुमने 18 ओवर पी गए थे 150 मारने के लिए। हम लोगों का स्टाइल जो भी हो, क्रिकेट वाली बातें भूलना मत, हमेशा कहा कि इंडिया बेवकूफ नहीं है। रिजवान को भुवनेश्वर कुमार 5वें और 6ठे स्टंप पर बॉल कराएगा, जिस बॉल पे रिव्यू लेके वो बचा, अल्लाह का वास्ता अगर वो रिव्यू नहीं लेता और वो आउट होकर चला जाता, शायद उस वक्त कुछ हो जाता पाकिस्तान का किसी और बल्ले। अरे भाई, 1 या 2 रेलू कट्टे चलते हैं, 4-5 रेलू कट्टे नहीं चलते। आपने लगातार चाचू भी डाल दिया, चाचू डेड वेल। अबे झटके की टीम है ये, झटके की टीम मतलब ये क्या, तुमने कबाड़ी का सामान डाल लिया पूरी टीम के? ये पाकिस्तान की टीम कहलाएगी?
है वो बच्चे जिनके लिए मेरा गला फट गया था बोल बोल के, जिनके तुम पे शबो खून मार के ये तुम अपने फरमाइशी सिफारशी पोके पंटर तैयार करते हो पाकिस्तान से खिलाने के लिए, लानत तुम लोगों पे पड़ते ही। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की जो मीडिया कितनी खफा है पाकिस्तान टीम से, क्योंकि उसको पता है कि भारत के खिलाफ ऐसा लक्ष्य देना जो कि भारत के बहुत सारे बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ऐसे इतने तगड़े तगड़े बैट्समैन है कि जो कि कुछ भी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या जैसे बैट्समैन है और जो कि हार्दिक पांड्या शानदार बॉलिंग करके 3 विकेट भी लिए हैं, और हार्दिक पांड्या एक ऐसे बैट्समैन है जो गेम को कहीं भी बदल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो भारत से जीतना काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। और भारत कभी भी T20 वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, हर जगह पे भारत का पलड़ा पाकिस्तान से भारी ही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है और पाकिस्तान टीम भारत के लिए क्या मायने रखती है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भारत की टीम के इस शानदार प्रदर्शन से आपको कैसा फील हो रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए और वीडियो एशिया कप क्रिकेट से जुड़ी और पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी लाते रहें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।